ओके स्टूडेंट, तो आज ह्यूमन फिजियोलॉजी का हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ब्रीथिंग किसका पार्ट था? हमने डिस्कस किया था कि ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। बच्चों, मैंने पहले भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था प्लांट फिजियोलॉजी में कि रेस्पिरेशन का फुल मीनिंग क्या है, कंप्लीट मीनिंग क्या है। तो रेस्पिरेशन का कंप्लीट मीनिंग जो था उसमें एक तो था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और जो सेकेंड मीनिंग था वो था सेल्यूलर रेस्पिरेशन यानी मेटाबॉलिज्म। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या कंसीडर होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में कंसीडर होता है कि जो भी फ्यूल है या जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उनको ब्रेक डाउन करना और एनर्जी गेन करना, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जो सेकेंड पार्ट है वो अपन प्लांट फिजियोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। मेटाबॉलिज्म ही तो है रेस्पिरेशन, वो प्लांट फिजियोलॉजी में हमने डिस्कस कर लिया। इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट, जो रेस्पिरेशन का मीनिंग है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? तो इसके बाद बच्चों मैं आपसे एक और बेसिक डिस्कशन चाहूंगा। वो डिस्कशन कुछ इस तरह से है कि आप लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए सबको, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, जो बेसिक बात आपको ये आनी चाहिए बेटा कि हाउ मेनी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो अकॉर्डिंग टू जीएस कार्टर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने रेस्पिरेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और इसके बाद जो थर्ड पार्ट उन्होंने बनाया वो सेलुलर रेस्पिरेशन। तो अकॉर्डिंग टू जीएस कार्टर जो रेस्पिरेशन है बेटा, उस रेस्पिरेशन के इन्होंने 3 टाइप्स बताए। सो हाउ मेनी स्टेजेस या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन? 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल, इंटरनल और सेलुलर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मींस गैसियस एक्सचेंज बिटवीन आउटर एनवायरनमेंट एंड नेजल पार्ट। ये बोल सकते हैं आप कि आउटर एनवायरनमेंट और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो नेजल पार्ट है वो जो गैसियस एक्सचेंज कर रहा है, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, है ना। हम बाहर से एनवायरनमेंट के साथ जो एक्सचेंज कर रहे हैं दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एंड नाउ इंटरनल रेस्पिरेशन, इट मीन्स कि गैसियस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। लंग्स किसका पार्ट हो गया? रेस्पिरेटरी सिस्टम का, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्लड के साथ गैसियस एक्सचेंज होना। एंड गैसियस एक्सचेंज बिटवीन टिश्यूज एंड ब्लड, हमारी बॉडी के अदर टिश्यूज या ऑर्गन्स का ब्लड के साथ एक्सचेंज होना इंटरनल रेस्पिरेशन में आता है। इज दैट क्लियर? एंड नाउ सेलुलर रेस्पिरेशन, इसमें आपने बताया है, अभी मैंने आपको बताया था कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, मेटाबॉलिज्म एंड रिलीज एनर्जी, और इससे एनर्जी को रिलीज करवाना, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। इज दैट क्लियर? सो नाउ अकॉर्डिंग टू कार्टर 3 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन
एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, इज दैट क्लियर। तो ये बेसिक आपको मैंने रेस्पिरेशन का मीनिंग बताया। अब इसके बाद बच्चों जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके एनसीईआरटी में ये दे रखा है कि ब्रीदिंग या गैसियस एक्सचेंज एनिमल्स एनिमल डाइवर्सिटी में कैसे होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपकी बुक में दे रखे हैं तो वो मैं शेयर करूंगा। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो ब्रीदिंग करते हैं बाय जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस, तो अपनी बॉडी सरफेस से ब्रीदिंग करने वाले कौन कौन से एनिमल हैं या एनिमल ग्रुप है, है ना। तो इसमें आता है बेटा स्पंज, सीलेंट्रेट्स और फ्लैट वर्म। तो याद रखना है बेटा आपको कि फ्लैट वर्म, स्पंज और सीलेंट्रेट्स ब्रीदिंग बाय द हेल्प ऑफ बॉडी सरफेस, इज दैट क्लियर। इसके बाद कुछ ऐसे एनिमल भी हैं जो अपनी मॉइस्ट स्किन से ब्रीदिंग करते हैं, है ना। एक बात ध्यान रखना बेटा, जो एनिमल अपनी स्किन से ब्रीदिंग करते हैं उनकी स्किन मॉइस्ट होगी ही होगी, ड्राई नहीं होगी। अगर इनकी स्किन ड्राई हो जाएगी तो इनको ब्रीदिंग में दिक्कत आ जाएगी और इनकी डेथ हो सकती है, इज दैट क्लियर। तो इसमें एग्जांपल आता है बच्चों अर्थवर्म का और फ्रॉग का, ठीक है। यहां पर भी बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फ्रॉग है वो थ्री टाइप का ब्रीदिंग करता है बेटा, एक ब्यूको फेरेंजियल, फेरेंजियल कैविटी से ही करता है, और एक बेटा ये अपनी स्किन से ब्रीदिंग करता है, और एक ये पल्मोनरी ब्रीदिंग, या पल्मोनरी ब्रीदिंग मतलब लंग्स से ब्रीदिंग करता है, इज दैट क्लियर। सो देयर आर थ्री काइंड ऑफ ब्रीदिंग प्रेजेंट इन फ्रॉग, कौन कौन सी, ब्यूको फेरेंजियल कैविटी से, है ना, और इसके अलावा स्किन से और एक लंग्स से। लेकिन बच्चों लंग्स से वो ब्रीदिंग तब करता है जब वो लैंड पे होता है, और ब्यूकोफेरेंजियल वो तब करता है जब वो एक्वेटिक होता है, है ना। यानी ये वाली ब्रीदिंग तब करता है जब वो एक्वेटिक कंडीशन में होता है, पानी में होता है। ये वाली ब्रीदिंग तब करता है जब वो लैंड साइड पर होता है, जमीन पर होता है। और स्किन वाली जो ब्रीदिंग है वो एवरी कंडीशन या ईच कंडीशन या बोथ कंडीशन, दोनों कंडीशन में ही वो स्किन से ब्रीदिंग करता ही करता है। तो एक बार क्वेश्चन ये आया था कि फ्रॉग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ब्रीदिंग कौन सी है, कि अगर वो नहीं होगी तो फ्रॉग का सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रीदिंग जो फ्रॉग के लिए है वो है स्किन से ब्रीदिंग, है ना, बाय क्रूटिकल स्किन। स्किन से जो ये ब्रीदिंग करता है ये इसके सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इज दैट क्लियर। इसके बाद बेटा ट्रेकियल सिस्टम, ट्रेकियल ट्यूब सिस्टम, ट्रेकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है बेटा, और फर्स्ट टाइम यही रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो डेवलप हुआ है। और ट्रेकियल ट्यूब सिस्टम किसके अंदर होता है बेटा, इंसेक्ट्स के अंदर। और आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट टाइम रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर डेवलप हुआ तो वो इंसेक्ट के अंदर हुआ, और ये किस तरह का सिस्टम था, ट्रेकियल ट्यूब टाइप का सिस्टम था, इज दैट क्लियर। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है बेटा गिल्स। अब आप सभी को पता है कि गिल्स की हेल्प से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अपनी ब्रीदिंग करते हैं, तो इसमें नाम किसका आ जाएगा बेटा, सबस एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, है ना, मोलस्का एक्वेटिक, मोलस्का और फिशेज, ठीक है। इनका एग्जांपल गिल्स के अंदर आप दे सकते हैं, इज दैट क्लियर, कोई डाउट बेटा। इसके बाद में आ जाता है बेटा लंग्स। तो लंग्स के थ्रू जो ब्रीदिंग होती है वो रेप्टाइल्स करते हैं बेटा, बर्ड्स करते हैं और मैमल्स करते हैं, और हम लोग मैमल्स में इंक्लूडेड हैं। और इसी ब्रीदिंग को कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो लंग्स से जो ब्रीदिंग हो रही है इसको कहा जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन।
या पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब है बेटा जो टेरिस्टल साइट पर, जो लैंग साइट पर ब्रीदिंग हो रही है, इसको पल्मोनरी ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन कहा जाता है। और ये मेनली लंग्स से होती है, तो ये कौन करते हैं भाई, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं एनिमल के अंदर। तो ये आपके एनसीईआरटी में और आपके सिलेबस में भी है, तो आपके लिए ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट आते हैं बच्चों। अब इसके बाद में आपकी जो फिजियोलॉजी है बेटा, जो सिलेबस में आपकी जो फिजियोलॉजी है वो कंप्लीटली ह्यूमन बेस्ड है। ये आपका सौभाग्य ही कहूंगा मैं कि केवल ह्यूमन फिजियोलॉजी आपके दे रखी है। तो अब हम डिस्कस करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन। तो ह्यूमन के रेफरेंस में हम ये सारी चीज अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा जरूरी है कि हमें ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे होगा, देखो बेटा सबसे पहले ये आउटर इन्वायरमेंट है। तो आउटर इन्वायरमेंट से एयर सबसे पहले हमारे इन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल या नेयर्स में आएगी। ये देखो बाहर दो छिद्र आपको दिखाई देंगे, सबसे पहले एयर इधर है, तो यानी इनके कांटेक्ट में हो गया एक्सटर्नल नेयर या नॉस्ट्रिल बोलेंगे या नेयर्स, करेक्ट। इसके बाद में बेटा ये अपने नेजल चेंबर में चली जाएगी, ये नेजल चेंबर में चली जाएगी अंदर, और नेजल चेंबर भी आगे इंटरनल नॉस्ट्रिल में खुलेंगे। जैसे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है वैसे ही अंदर नॉस्ट्रिल है, वहां पर ओपन हो जाएगा। इंटरनल नॉस्ट्रिल जो है ये आगे नेजोफेरिंक्स में जाएंगे, नेजोफेरिंक्स। हमारी जो फेरिंक्स है बेटा इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने फेरिंक्स को, एक नेजोफेरिंक्स, एक ओरोफेरिंक्स और एक लैरिंजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स जिसमें एयर जाएगी यानी नॉस्ट्रिल ओपन होंगे, ओरोफेरिंक्स आ जिसमें ओरल कैविटी ओपन होगी, और लैरिंजोफेरिंक्स यहां पर जिसमें एयर और फूड दोनों मिक्स हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? समझ गए एकदम अच्छे से? यानी ये फूड पाथ है, ये एयर पाथ है, और लैरिंजोफेरिंक्स एक ऐसा पाथ है जहां पर एयर और फूड दोनों मिक्स हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि हम एयर पढ़ रहे हैं तो ये किस में जाएगा, नेजोफेरिंक्स में जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ गए एकदम अच्छे से? नेजोफेरिंक्स से एयर लैरिंजोफेरिंक्स में आ जाएगी, यानी ये फेरिंक्स का अगला पार्ट कौन सा है भाई, लैरिंजोफेरिंक्स, और यहां पर एयर और फूड दोनों मिक्स हो जाएंगे, दोनों मिक्स हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? इसके बाद ये जो लैरिंजोफेरिंक्स है यहां पर दो पोर होते हैं बेटा, एक होता है थोड़ा डॉर्सल साइड होता है, इसको गुलेट कहते हैं, और एक ग्लॉटिस होता है। इज दैट क्लियर? ये दो पोर हैं। तो गुलेट जो है ये आगे ईसोफेगस में ओपन हो जाता है, ईसोफेगस, ईसोफेगस जो फूड पाइप है, ईसोफेगस क्या है, फूड पाइप। तो यानी गुलेट है वो फूड पोर है, और जो ग्लॉटिस है वो आगे लैरिंक्स में ओपन हो जाता है, और लैरिंक्स यानी एयर पाथ है, राइट? एकदम समझ आ गया? तो लैरिंजोफेरिंक्स में एयर आ चुकी है, यहां से अब ग्लॉटिस के द्वारा ये जो एयर है, ग्लॉटिस यानी ये पोर जो है, इस पोर के द्वारा ये एयर जो है वो चली जाएगी लैरिंक्स। इज दैट क्लियर? लैरिंक्स के बाद ये एयर विंड पाइप यानी ट्रेकिया में जाएगी। ट्रेकिया को क्या कहा जाता है बेटा, विंड पाइप कहा जाता है। तो इसके बाद ये विंड पाइप में चली जाएगी। अब विंड पाइप से आगे ब्रोंकस निकलेगी, उनको ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। तो यहां से एयर ब्रोंकियल ट्री में, या इसको शॉर्ट में बीटी कहते हैं, तो बहुत सारी ब्रोंकस है यहां पर, तो उसमें ये एयर चले जाएगी। ये ब्रोंकस लंग्स में आगे जाकर डिवाइड होती है, इनसे स्मॉल ब्रोंकियोल्स बनती हैं। तो यहां से ये एयर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में चली जाएगी, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स।
तो इसको आरटी बोलते हैं या रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं। तो बीटी से जो ये एयर है वो आरटी में चली गई है, और आरटी जो है इसके बाद में ये फाइनली एल्वियोलाई में, मैं सीधा लिखता हूँ, एल्वियोलाई में पहुंच जाएगी, यानी ये लंग्स की फंक्शनल यूनिट है। इज दैट क्लियर? तो एल्वियोलाई आगे गैसेज को एक्सचेंज करेगा। तो ये पूरा हमारा जो है रेस्पिरेटरी पाथ है, ठीक है। तो देखो कैसे, आउटर एनवायरनमेंट से एयर कहाँ गई, एक्सटर्नल लेयर में। इज दैट क्लियर? मार्कर आगे आ रहे हैं, यहां से नेजल चेंबर में, ठीक है, नेजल चेंबर से इंटरनल नॉस्ट्रिल जो अंदर की तरफ खुल रहे हैं, वहां से एयर नेजो फेरिंग्स में, फेरिंग्स का ऊपर वाला पार्ट, फिर लेरिंजो फेरिंग्स जहां पर एयर और फूड दोनों मिक्स हो जाएंगे, यहां से ग्लोटिस के थ्रू वो लेरिंग्स में आएगी, लेरिंग्स से एयर ट्रेकिया में जाएगी, ट्रेकिया यहां पर हमारे नेक में है, और ट्रेकिया से आगे ब्रोंकस डिवाइड होगी जो लंग्स में एंटर करेगी, इनको बीटी कहते हैं, ट्री लाइक बन जाएगा, ये ब्रांचेस बनेगी, बीटी आगे आरटी में ओपन होगा जो फाइनली एल्वियोलाई का रूप लेगा। इज दैट क्लियर? अब देखो बच्चों, हमारा जो यहां से लेकर बीटी तक का जो सिस्टम है ये वाला पूरा, इसको हम कंडक्टिंग जोन कहते हैं, कंडक्टिंग जोन, यानी ये गैसियस कंडक्शन करता है, एक्सचेंज नहीं करता, और जो ये वाला पार्ट जो है इसको एक्सचेंज जोन कहा जाता है, यानी यहां से गैसेस का एक्सचेंज होगा, सो दैट इज एक्सचेंज जोन, है ना। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेसिकली दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, कंडक्टिंग जोन और एक्सचेंज जोन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फर्स्ट आपको सीक्वेंस जानना जरूरी है बेटा, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा रेस्पिरेटरी पाथ है, ये आपको समझना है। थोड़ा सा मैं यहां पर बोलना चाहूंगा कि जब मैंने ये बताया था कि जो लैरिंजोफैरिंक्स से यहां पर एयर और फूड दोनों मिक्स हो गए ना, तो यहां पर मैंने बताया था कि दो पोर है, एक ये वाला पोर है और एक ये वाला, इस पोर को ग्लोटिस कहते हैं और इस पोर को गुलेट कहते हैं। अब गुलेट में फूड जाएगा और ग्लोटिस में एयर जाएगी, तो ग्लोटिस आगे लैरिंक्स में ओपन हो जाएगा और ये आगे ईसोफेगस में, तो एक बार फिर से जो है फूड और एयर सेपरेट हो गए। सवाल ये है कि फूड क्यों नहीं आता इस पाथ में? अगर फूड रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ गया तो काम खत्म हो जाएगा बेटा। तो फूड को इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में आने से कौन रोकता है, ये भी एक सवाल है। तो क्या है बेटा कि जो ये ग्लॉटिस है इसके ऊपर एक कार्टिलेज होती है, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेज। तो जब हम फूड स्वेलोविंग करते हैं, जब फूड निगलते हैं, तो क्या होता है, एपिग्लॉटिस कवर कर लेती है किसको, ग्लॉटिस को, ग्लॉटिस कवर हो जाएगा। जब हम फूड स्वेलोविंग करते हैं, फूड को निगलते हैं, तो एपिग्लोटिस कवर कर लेती है किसको, ग्लोटिस को। तो जब ग्लोटिस कवर हो जाएगा तो फिर इसमें फूड नहीं आ पाएगा, है ना, तो इसलिए फूड फिर इसके अंदर चला जाएगा, राइट। और यही कारण है कि अगर हम फूड स्वेलोविंग करते हैं तो एक टेम्परेरी ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है, टेम्परेरी ब्रीदिंग क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है ना। क्लियर हुआ? क्यों ब्रीदिंग स्टॉप हो गई जब हमने फूड स्वेलोविंग किया, क्योंकि एपिग्लोटिस ने कवर कर लिया किसको, ग्लोटिस को। तो जब एपिग्लोटिस कवर कर लेगा ग्लोटिस को, तो ऐसे में फूड किस में नहीं आएगा, एयर पाथ में नहीं आएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आता है बेटा कि फूड को एयर पाथ में आने से कौन प्रिवेंट करता है, तो कौन प्रिवेंट करता है, एपिग्लोटिस प्रिवेंट करती है, क्योंकि ये फूड स्वेलोविंग के समय ग्लोटिस को कवर कर लेती है। बात समझ आ गई बच्चों, कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है, ओके। सो दैट इज द बेसिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब बच्चों हमारा एक इस चैप्टर में क्या काम है इसको समझ लीजिएगा। पहले हम बेसिक एनाटॉमी थोड़ी देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, और उसके बाद में हम इसे फिजियोलॉजी की स्टडी करेंगे, ठीक है ना। सो सबसे पहले आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा हम नोज या नेजल चेंबर की या नेजल पाथ की।
या नेजल पाथ बोल लिया हम लोग, ठीक है। तो ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर का पहला पार्ट है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इस पार्ट को समझिए, आपका नाक है आपको समझना है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारा जो नोज है इसकी सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है कि डाई राइनस कंडीशन है। राइनो मतलब नोज, डाई राइनस कंडीशन। मेन मेन बातें बताता हूं, राइनो मतलब नोज। अब बच्चे कह रहे सर मैं कह रहा हूं दो नाक कहां से, बच्चे बोलते हैं नाक तो एक ही दिख रहा है सर। नहीं ऐसा नहीं, आप देखिए आपका जो नेजल पाथ है वो कुछ इस तरह से है। अरे भाई पेंटिंग देखो कितनी सुंदर बना रहा हूं, देखो इस तरह से ये एक और ये दो, इस तरह से ये आपका नाक, ये दो पोर है ना इसमें, देखो ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल दिख रहे हैं दो आप। हमारा जो नोज है वो दो हिस्सों में डिवाइड है, इसके बीच में एक सेप्टम है, एक पर्दा है जो इसको दो भागों में डिवाइड कर रहा है, इसको बोलते हैं डाइराइनस कंडीशन। अब ये सेप्टम किस चीज का बना हुआ है, ये एक कार्टिलेज है जिसका नाम है हाइलिन कार्टिलेज। तो ये जो सेप्टम है वो हाइलिन कार्टिलेज है जो हमारे नेजल पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करता है। अच्छा बच्चों मेरा एक गुरु ज्ञान है आपको जो समझ लेना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक कार्टिलेज चलेगी जो बड़ी कॉमन चलेगी और उसका नाम है हाइलिन कार्टिलेज, ध्यान रखना। जहां भी मैं बोलूं कार्टिलेज तो सीधा जवाब देना कौन सी कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में चलेगी, ठीक है। नेजल पाथ को दो हिस्सों में कौन सी कार्टिलेज डिवाइड करती है, हाइलिन कार्टिलेज, बात खत्म। तो डाइराइनस कंडीशन है, इज दैट क्लियर। अब देखो जो हमारा जो नेजल चेंबर है इसको हम फंक्शनली तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, फंक्शन के बेस पर इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको फंक्शनली डिवाइड करते हैं मदर, तो फंक्शन बेस्ड अगर हम इसको डिवाइड करें, इसको डिवाइड करें, इसका डिवीजन करें, तो हम इसके तीन भाग बना सकते हैं। एक वेस्टिब्यूलर रीजन, ठीक है, एक रेस्पिरेटरी रीजन और एक ऑल्फैक्टरी रीजन। तीन भाग बना दिया। तो वेस्टिब्यूलर रीजन कौन सा है बच्चों, वेस्टिब्यूलर रीजन ये है आगे वाला एकदम, ये वाला है, ये देखो ये जो आगे वाला एकदम फ्रंट वाला पार्ट है दैट इज वेस्टिब्यूलर रीजन, एकदम आगे वाला है, ठीक है ना। ये बोलो ये जो वेस्टिब्यूलर रीजन है इस रीजन में क्या है बेटा, इस रीजन में स्किन का ये पार्ट है, तो यहां पर सीबेसियस ग्लैंड होती है और ये सीबेसियस ग्लैंड एक लुब्रिकेंट मटेरियल बनाती है और इसके अलावा इसमें हेयर प्रेजेंट है, राइट। अब क्या एडवांटेज हुआ इन सब चीजों का, थोड़ा मॉइस्चर होगा इस रीजन में, नमी होगी ड्यू टू सीबेसियस ग्लैंड सिक्रेशन और प्लस यहां हेयर है, तो ये फिल्टर का काम करेंगे बेटा, जो भी एयर है वो डायरेक्ट अंदर नहीं जाएगी, उसके अंदर कोई एरोसोल पार्टिकल है, कोई डस्ट पार्टिकल है, कोई पैथोजन है, तो वो यहां पे ट्रैप हो जाएंगे, है ना। तो वेस्टिब्यूलर रीजन का काम है कि ये एयर का फिल्ट्रेशन करेगा, ठीक है बच्चों, एयर का फिल्ट्रेशन करेगा, इज दैट क्लियर। दैट इज द फंक्शन ऑफ वेस्टिब्यूलर रीजन, क्योंकि हमने फंक्शन बेस पर इसको डिवाइड किया है ना, तो ये चीज। दूसरा अब कौन सा है भाई, रेस्पिरेटरी रीजन। ये जो रेस्पिरेटरी रीजन है बेटा, यहां पर एक स्पेशल काइंड ऑफ एपिथेलियम है जो नेजल पाथ में जो बोन्स है उनको कवर किए रहता है, तो वो जो रेस्पिरेटरी रीजन में जो एपिथेलियम है उसका नाम है PSCCGE, दैट इज एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू। तो ये रेस्पिरेटरी रीजन में होता है। तो पहला रीजन वेस्टिब्यूलर हो गया, ये वाला रीजन वेस्टिब्यूलर, और इसके बाद वाला ये वाला रीजन हो गया आपका रेस्पिरेटरी रीजन, यहां वाला, ये वाला रीजन रेस्पिरेटरी रीजन, यहां पर एक एपिथेलियम है PSCCGE, राइट। ये जो एपिथेलियम है इसका नाम क्या है, इसका नाम देख लीजिए थोड़ा सा, पी स्टैंड फॉर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर
सो व्हाट इज पी एस सी सी जी ई? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यानी ये वो एपिथेलियम है जो हमें लग रहा है कि स्ट्रेटिफाइड है, मतलब इसकी कई लेयर है, जबकि इसकी कई लेयर होती नहीं है, लेयर एक ही होती है। हाँ, कुछ सेल बड़ी होती है और कुछ सेल छोटी होती है, इस तरह से। हमें लगेगा जैसे इसकी कई लेयर है, हमें तो लग रहा है जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे लेयर लग रही है ना, जबकि लेयर नहीं है, लेयर क्या है, एक ही है। इज दैट क्लियर? तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है। सिलिए कोलुमनर यानी इसकी सेल पिलर लाइक सेल है, पिलर लाइक सेल है इसकी, तो हमें लग रहा है कि ये कोलुमनर है। सिलिएटेड, इनके ऊपर सिलिया है और सिलिया हेल्प इन मूवमेंट, सिलिया हेल्प इन मूवमेंट, तो ये एपिथेलियम गैस की मूवमेंट में हेल्प करता है, एयर के कंडक्शन में हेल्प करता है ना, तो सिलिएटेड यानी इस पे सिलिया है, सिलिया फ्लैजिला पढ़ाया था ना मैंने सर। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें लग रहा है इसकी कई लेयर है, जबकि लेयर क्या है, एक ही है, तो रियल में स्ट्रेटिफाइड नहीं है ये, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। इस पे सिलिया है ना, और ग्लैंडुलर, ये ग्लैंड्स का फंक्शन करेगा, इसमें स्पेशल सेल होती है जिनको गॉबलेट सेल कहते हैं। ग्लैंडुलर मतलब ये ग्लैंड्स का फंक्शन करेगा, इसमें गॉबलेट सेल होती है जो म्यूकस लाइक मटेरियल बनाती है, म्यूकस सीक्रेशन करती है ना। तो आप देखिए बेटा कि रेस्पिरेटरी रीजन में एक स्पेशल एपिथेलियम है, पी एस सी सी जी ई, है ना, ये एपिथेलियम म्यूकस को सीक्रेट करता है। तो कई बार कहते हैं ना कि कॉमन कोल्ड हो गया, सर्दी जुखाम हो गया, उसमें हमें कोई चीज की स्मेल नहीं आती, क्यों नहीं आती? क्योंकि तो उस समय जब इन्फेक्शन होता है तो ये गॉबलेट सेल बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है और म्यूकस बहुत ज्यादा बनाती है, तो यहाँ पे म्यूकस भर जाएगा तो एयर जो है उसकी स्मेल अंदर तक नहीं पहुंचेगी। इज दैट क्लियर? तो ये बताइए रेस्पिरेटरी रीजन आपको समझ आए। चलिए इसके बाद बात करते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन जो है इसमें क्या है बेटा, इसमें स्पेशल न्यूरोसेंसरी सेल है, न्यूरोसेंसरी सेल, न्यूरोसेंसरी का मतलब उसका कनेक्शन हमारे ब्रेन के ऑल्फैक्टरी सेंटर से है, जो स्मेल का हमें ज्ञान कराता है, वो ब्रेन में कौन सा सेंटर है, ऑल्फैक्टरी सेंटर है। यानी यहां पर एक सेल होती है जिसका नाम है स्नीडेरियन सेल, स्नीडेरियन सेल, और इस स्नीडेरियन सेल का कनेक्शन ब्रेन के ऑल्फैक्टरी सेंटर के साथ है, इसको न्यूरोसेंसरी सेल बोलते हैं। मतलब इस तरह से बेटा कि ये जैसे एपिथेलियम है, ये सेल है स्नीडेरियन सेल, इसके साथ ये नर्व्स जुड़ी हुई है, इस तरह से ये नर्व है इसके साथ, और ये नर्व का कनेक्शन ब्रेन के ऑल्फैक्टरी सेंटर के पास है। तो ये जो स्नीडेरियन सेल है, इनसे हमें किसी भी स्मेल का ज्ञान होता है, तो ये ऑल्फैक्टरी रीजन है, जो सबसे लास्ट वाला रीजन है, पीछे वाला रीजन है। इज दैट क्लियर? तो फंक्शन के बेस पर हमने नेजल पाथ को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, वेस्टिब्यूलर रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन और ऑल्फैक्टरी रीजन। ये हमारे ब्रेन के 3 पार्ट, सॉरी ब्रेन का, हमारे नेजल पाथ के हमने 3 भाग डिवाइड कर दिए। इज दैट क्लियर? इसके बाद में देखिए सर, आपने हमारे अंदर तो डिस्कस किया है स्नीडेरियन सेल होती है जो हमें स्मेल का ज्ञान कराती है, जबकि आपने ये पढ़ा होगा रेप्टाइल्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम है जैकबसन ऑर्गन। क्या नाम है? जैकबसन ऑर्गन, जो उन्हें स्मेल का ज्ञान कराते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा जो नेजल पाथ है या नोज है, उसमें 3 तरह की बोन भी है, नेजल बोन, ठीक है बेटा, इथेमोइड बोन और मैक्सिला बोन, मैक्सिला बोन, ये बोन है। ये जो बोन है ये वेस्टिब्यूलर रीजन में नहीं पाई जाती है, वेस्टिब्यूलर वाले आगे वाले रीजन में नहीं पाई जाती है, बाकी ये जो है नेजल बोन, तो ये पूरा ये छत वाला, ये जो नेजल का जो ये बना रहा है रूफ, ये नेजल बोन है, और इथेमोइड और मैक्सिला बोन नीचे की तरफ आगे फैल रहे हैं। तो ये जो बोन है ये इनकी ये आउटग्रोथ स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, यानी इनकी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होती है, इनसे ये जो बोन है ये आउटग्रोथ, यानी इनसे ऐसे प्रोजेंस निकल जाते हैं, तो
तो इनकी आउटग्रोथ स्ट्रक्चर की फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है, इनको बोलते हैं कॉन्की, इनकी आउटग्रोथ स्ट्रक्चर को कॉन्की कहते हैं, या इनको टर्बिनल बोन कहते हैं, ठीक है, या टर्बिनल कॉन्की कहते हैं इनको। तो इन बोन्स की जो आउटग्रोथ स्ट्रक्चर है इनको कॉन्की या टर्बिनल बोन या टर्बिनल कॉन्की कहा जाता है। और ये जो आउटग्रोथ बनाती है इसी के कारण, इस आउटग्रोथ स्ट्रक्चर के कारण जो नेजल पाथ है वो बहुत ज्यादा घुमावदार हो जाता है, नेजल पाथ लॉन्ग हो जाता है और बहुत ज्यादा घुमाव वाला हो जाता है। घुमाव वाला आप अंग्रेजी लिख लेना क्या कहते हैं उसको, समझ आ गया। तो इसका क्या फायदा होगा, मुद्दे की बात करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो एयर है वो लॉन्ग टाइम तक क्या करेगी, ट्रेवल करेगी, उसको ट्रेवल करना पड़ेगा किसमें, नेजल पाथ में। और अगर वो लंबे समय तक नेजल पाथ में ट्रेवल करेगी, क्योंकि ये रास्ता बहुत लंबा और घुमाव वाला हो जाएगा, तो लंबे समय तक अगर वो नेजल पाथ में ट्रेवल करेगी तो क्या एडवांटेज होगा कि जो एयर का जो टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाएगा बेटा किसके, बॉडी टेम्परेचर के, है ना। अब सर्दी के अंदर हम बहुत ही कूल एयर अंदर लेते हैं, लेकिन वो एयर हमारी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदल सकती, क्योंकि जब तक वो बॉडी के अंदर एंटर करेगी तब तक उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली समर में हम बहुत ज़्यादा हॉट एयर लेते हैं, लेकिन वो भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी। क्यों नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि जब तक वो एयर अंदर जाएगी तब तक उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कि नेजल पाथ इन आउटग्रोथ स्ट्रक्चर्स के कारण बहुत ही घुमाव वाला हो जाता है, लंबा हो जाता है, तो एयर को लंबे समय तक इसमें ट्रेवल करना पड़ेगा, तब तक उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। मोटे तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि भी नेजल पाथ का हमें फंक्शन बताना है, तो कंक्लूजन पे आते हैं। तो अब तक की क्लास का कंक्लूजन कुछ इस तरह से जाता है कि नेजल पाथ के तीन फंक्शन हो गए। एक तो हो गया एयर का फिल्ट्रेशन करना, एक हो गया एयर को मॉइस्चर प्रोवाइड करवाना, है ना, थोड़ा लुब्रिकेंट बनाना, और तीसरा काम हो गया, क्या हो गया भाई, एयर का टेम्परेचर रेगुलेशन करना, टेम्परेचर को रेगुलेट करना, और एक मुझे और समझ आ रहा है कि स्मेल या ऑडर के बारे में बताना, इसको रिकॉग्नाइज करना, इसका रिकॉग्निशन, ठीक है भाई। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ नेजल पाथ, पूरा समझ आ गया एकदम अच्छे से आपको, ओके। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला पार्ट था। इसके बाद नेजल पाथ से आपको पता है एयर कहाँ जाती है, फेरिंग्स में जाती है। तो अगला पार्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर फेरिंग्स। फेरिंग्स में आपकी एनसीईआरटी में लिख रखा है कि फेरिंग्स एक ऐसा पार्ट है जहां पर एयर और फूड दोनों मिक्स होते हैं। सही बात है, देखते हैं होते हैं कि नहीं होते। फेरिंग्स कॉमन पाथ है डाइजेस्टिव सिस्टम का भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी फूड ओरल कैविटी में जाने के बाद फेरिंग्स में जाता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी एयर नेजल पाथ से किसमें जाती है, फेरिंग्स में जाती है। तो ये कॉमन हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का। फेरिंग्स को समझने के लिए हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, नेजोफेरिंग्स, है ना, ओरोफेरिंग्स, अभी मैंने शुरू में भी आपको बताया था, और तीसरा पार्ट आ जाएगा बेटा लैरिंजोफेरिंग्स। उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी। नेजोफेरिंग्स, तो मैंने कहा था ना ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, ऐसे ही नोस्ट्रिल अंदर है जिनको इंटरनल नोस्ट्रिल कहेंगे। तो एयर यहां से इंटरनल नोस्ट्रिल में जाएगी और इंटरनल नोस्ट्रिल ओपन हो जाएगा नेजोफेरिंग्स में, यानी इसमें कौन ओपन होगा, इंटरनल नोस्ट्रिल यहां पर ओपन हो जाएगा, ठीक है, ओपन होगा। तो एयर किस में आ जाएगी बेटा बताओ, नेजोफेरिंग्स में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, राइट। ओरोफेरिंग्स में ओरल कैविटी ओपन होगी, तो ओरल कैविटी इसके अंदर ओपन होती है, तो फिर यानी इसमें क्या आ जाएगा बेटा, फूड आ जाएगा ओरोफेरिंग्स में। अब आप देखिए जरा कि नेजोफेरिंग्स ऊपर है, तो ऊपर गई एयर, यहां गया फूड, तो ऊपर से अब एयर नीचे आ रही है और फूड है ही, तो दोनों यहां पर आकर लैरिंजोफेरिंग्स यानी यहां पर आकर दोनों मिक्स हो जाएंगे, यानी यहां पर आकर एयर और फूड दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे।
इज दैट क्लियर? दैट इज लैरिंजोफेरिंक्स। अब इसके बाद की कहानी मैंने आपको बताई थी कि अब यहां पर दो स्लिट लाइक अपर्चर होंगे, दो पोर होंगे, है ना, उनको एक को बोलेंगे गुलेट और एक को बोलेंगे ग्लॉटिस, है ना भाई, एक गुलेट और एक ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस जो है ये एयर पोर है, ये आगे खुल जाएगा लैरिंग्स में, है ना, लैरिंग्स में, और ये क्या लाएगा भाई, एयर, ठीक है, और ये आगे खुल जाएगा इसोफेगस में, और इसोफेगस फूड पाइप है, यानी ये फूड का, ये फूड पोर हो गया और ये एयर पोर हो गया। समझ आ गया? एक बार फिर से एयर और फूड अपने अपने रास्ते चली जाएगी। सवाल थोड़ी देर पहले बताया था कि ग्लोटिस में फूड आने से कौन रोकता है, तो ग्लोटिस में फूड आने से कौन रोकेगा, एपिग्लोटिस। थोड़ी देर पहले पूरा समझाया था यार, बार बार रिपीट मत कराओ। एपिग्लोटिस ये क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी किसको, फूड को, है ना, किसमें एंटर होने से, किसमें एंटर होने से, ग्लोटिस में एंटर होने से, ड्यूरिंग फूड स्वेलोइंग। इज दैट क्लियर? ओके, सो दैट इज फेरिंग्स, वेरी सिंपल हो जाएगा भाई। इसके बाद में अब एयर कहां चली गई है बताओ, एयर गुलेट के थ्रू कहां चली गई है, सॉरी ग्लोटिस के थ्रू लैरिंग्स में चली गई है। आइए डिस्कस करते हैं लैरिंग्स को। इसे आपने सुना होगा वॉइस बॉक्स ऑर्गन भी कहते हैं, साउंड बॉक्स ऑर्गन भी कहते हैं, समझ आया कि नहीं आया? और बर्ड्स में इसे लैरिंग्स नहीं कहा जाता, अगर बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में इसे सीरिंग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरिंग्स कहा जाता है, और हमारे अंदर इसको लैरिंग्स कहा जाता है। इज दैट क्लियर? वॉइस बॉक्स ऑर्गन है भाई ये, साउंड बॉक्स ऑर्गन है, साउंड प्रोड्यूस करने वाला है, देखेंगे कैसे करेगा। ओके, इसे मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रेकिया भी बोला जाता है, क्योंकि ये ट्रेकिया की मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, तो इसे मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रेकिया भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेकिया भी कहा जाता है। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं, क्योंकि अभी तो समझाया ही नहीं। तो लैरिंग्स में ओपन कौन हो रहा है भाई, लैरिंग्स में ओपन कौन हो रहा है, गुलेट या ग्लोटिस, ग्लोटिस ओपन हो रहा है। एयर, एयर पोर कौन सा था, ग्लोटिस, तो ग्लोटिस ओपन हो रहा है बेटा किसके अंदर, लैरिंग्स में। तो ग्लोटिस के द्वारा एयर किस में आ गई है, लैरिंग्स में आ गई है, राइट, और लैरिंग्स आगे ओपन हो जाएगा ट्रेकिया में। ठीक है, वो खैर बात की बात है, पहले लैरिंग्स समझते हैं। लैरिंग्स की अगर बात करो तो इसमें ज्यादा कोई आप डिटेल मत पढ़िए, आप सिर्फ ये देखिए कि लैरिंग्स में दो चीजें हैं, लैरिंग्स के स्ट्रक्चर में दो ही चीजें हैं, एक है कार्टिलेज और एक है वोकल कॉर्ड या वोकल फोल्ड भी कहा जाता है, दो चीजें, एक कार्टिलेज और एक वोकल कॉर्ड या वोकल फोल्ड कहा जाता है। ठीक बात, तो आइए सबसे पहले कार्टिलेज देखते हैं। इन कार्टिलेज के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि ये स्ट्रक्चर के तौर पर तो दो कार्टिलेज होती है, शेप की बात करें तो ये चार कार्टिलेज है, और नंबर की बात करें तो ये छह कार्टिलेज है। तो क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, मैं तो शॉर्ट पढ़ा रहा हूं भैया आपको, अगर पूछे कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हाउ मेनी कार्टिलेज इन लैरिंग्स, टू कार्टिलेज, ऑन द बेसिस ऑफ शेप हाउ मेनी कार्टिलेज इन लैरिंग्स, फोर कार्टिलेज, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर हाउ मेनी कार्टिलेज इन लैरिंग्स, तो आ जाएगा सिक्स। ठीक है ना, तो देखो एक ही क्वेश्चन है, तीन तरीके के टाइप बनाएगा वो, तीन टाइप के आंसर बन जाएंगे, ध्यान रखिए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो जो लैरिंग्स में कार्टिलेज होती है वो कौन कौन सी होती है, आइए एक बार नजर डाल लेते हैं। एक होती है थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, हाँ, एक तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर छोटे बहुत लिखते हो, क्या करें, अब आदत है ना, और हमारी एक कहावत है राजस्थान में कि व्यक्ति की उम्र चली जाती है लेकिन आदत नहीं जाती, तो अब धीरे धीरे जाएगी ये आदत, है ना, अभी ऑनलाइन पढ़ाने का मौका अभी मिला है। तो थायराइड कार्टिलेज, और एक होती है क्रिकोइड कार्टिलेज, एक है बेटा एरिटिनोइड कार्टिलेज। रुकिए, आप एक बार घबराइए मत, अभी हम आपके साथ हैं, थोड़ी देर बाद में आपसे बात करेंगे कि आपको समझ आया कि नहीं आया। एक है सेंटोरिनी कार्टिलेज,
पहले मुझे भी लगता था कि यार ये कैसे याद होगा इतना, लेकिन आजकल याद हो रहा है। तो कार्टिलेज कितने तरह के? चार। तो देखिए जरा मैंने क्या बोला है, सेब के बेस पर चार टाइप की है, सेब के बेस पर चार टाइप की, थायरॉइड, क्रिकोइड, एरिटिनॉइड और सेंटोरिन। सो हाउ मेनी कार्टिलेज ऑन द बेसिस ऑफ सेब? फोर। इज इट क्लियर? अब देखिए जरा, सेंटोरिन भी पेयर्ड होती है यानी दो, ये भी एरिटिनॉइड पेयर्ड होती है दो, ये सिंगलेट है ये सिंगलेट है। तो नंबर के बेस पर बताइए कितनी हो गई, 2, 2, 4, 5, 6। तो नंबर के बेस पर हो गई 6, सेब के बेस पर 4, नंबर के बेस पर 6। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं, अगर हम इनको स्ट्रक्चर के बेस पर देखें तो ये तीनों हाइलिन कार्टिलेज है और ये एक इलास्टिक कार्टिलेज है। तो अब आप देखिए कि स्ट्रक्चर के बेस पर कितनी कार्टिलेज हुई, बताओ दो हुई। ये तीनों किसके टाइप है? हाइलिन। ये क्या है? इलास्टिक है ना, इलास्टिक कार्टिलेज है। तो स्ट्रक्चर के बेस पर कितनी हुई बताओ? दो हुई। अब बताओ वो क्वेश्चन समझ आया? स्ट्रक्चर के बेस पर दो कार्टिलेज, थायरॉइड, क्रिकोइड और एरिटिनॉइड हाइलिन है और सेंटोरिन इलास्टिक। सेब के बेस पर 4, 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है, नंबर के बेस पर 6, ये सिंगल है ये भी सिंगल है, ये पेयर्ड है ये पेयर्ड है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताते हैं। ये जो थायरॉइड कार्टिलेज है, ये आप एक तो ये ध्यान रखेंगे कि ये सी शेप की कार्टिलेज होती है। कैसी होती है? सी शेप की। अब सी शेप का मतलब क्या है कि ये अनकंप्लीट है, अगर ये पूरी कार्टिलेज होती तो ऐसे सर्कल बनता। सी शेप का मतलब ये अनकंप्लीट है। अब ये कहां से अनकंप्लीट है? देखो कि ये जैसे हमारा लैरिंग्स वाला रीजन है ये वाला, तो ये कार्टिलेज इस तरह से होगी, देखो इस तरह से। तो ये हमारी आगे की साइड है, ये वेंट्रल है, तो ये वेंट्रल ही तो ब्रॉड है, यानी वेंट्रल साइड पे तो ये ब्रॉड है, लेटरल साइड भी है, लेकिन ये किस साइड नहीं है? ये डॉर्सल साइड में नहीं है। तो ये कहां पर नहीं होती? ये डॉर्सली एब्सेंट होती है, डॉर्सली ये एब्सेंट है, यानी ये डॉर्सल साइड पर ये एब्सेंट है, वेंट्रल में भी है और लेटरल में भी है। इज दैट क्लियर? तो ये बात आपको समझ आई। इसकी शेप क्या है? सी शेप। सी शेप का मतलब ये अनकंप्लीट है। दूसरी बात, मैं मुख्य बात बताऊंगा भैया, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो थायराइड कार्टिलेज है इसमें क्या है कि जो मेल होते हैं उनमें क्या है कि प्यूबर्टी पे जब एंड्रोजन हार्मोन बनता है, मेल में टेस्टोस्टेरोन बनता है ना, एंड्रोजन, एंड्रोजन के कारण ये जो थायरॉइड कार्टिलेज है ये वेंट्रली आउट एक्स्ट्रा ग्रोथ कर लेती है, एक्स्ट्रा ग्रोथ करती है, और इस एक्स्ट्रा ग्रोथ को कहा जाता है एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल इसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ। और इसकी वजह से जो मेल है उनकी जो आवाज है, वॉइस है, वो थोड़ी भारी हो जाती है। इसको कहते हैं लो पिच वॉइस हो जाए, लो पिच वॉइस हो जाए, आवाज में भारीपन आ जाए, भारीपन आ जाएगा आवाज में, भारीपन, ठीक है ना। तो ये एडम्स एप्पल यानी ये आउटग्रोथ की वजह से होता है, जो कि एक सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, अरे 10th में पढ़ा है ना रिप्रोडक्शन के अंदर, तो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है बेटा ये। तो थायरॉइड कार्टिलेज क्या बनाती है बेटा, बताइए जरा? एडम्स एप्पल बनाती है। इसके अंदर, मेल के अंदर, देखो मुझे इतना पता है, आप बेसिकली समझो तो कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उनकी वॉइस लगभग एक जैसी होती है, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो उनकी वॉइस में डिफरेंस हो जाता है। महिलाओं की वॉइस हाई पिच रहती है ना, 3-4 महिलाएं बात कर रही होती हैं और आप अगर कहीं काम कर रहे हैं तो आपके थोड़ा सिर में दर्द होने लग जाता है, बुरा मत मानिएगा,
सभी माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है मेरी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मतलब एक मजाक के तौर पे कह रहा हूँ, उनकी वॉइस हाई पिच है, वो सीधी लगती है ना, तीखी वॉइस होती है, और जो मेल है उनमें एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो ये सी शेप की थायराइड कार्टिलेज है ये एक्स्ट्रा ग्रोथ करती है वेंट्रली और एडम्स एप्पल बनते हैं, ये यहाँ पर उभार सा निकल जाता है कभी देखना, ये है ना ऐसे ऐसे आगे निकल जाएगा ये ऐसे, ठीक है ना, ये सी शेप की ऐसे आ है ना एडम्स एप्पल, और इसकी वजह से लो पिच वॉइस हो जाती है, इज दैट क्लियर। तो ये इसमें भैया मुझे तो एक ही क्वेश्चन अच्छा लगता है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है भाई। थायरॉइड कार्टिलेज में मेन बात आपको मैंने बता दी, अब देखो कौन सी है, क्रिकोइड, ये रिंग शेप की है तो इसको सिंगलेट रिंग कहा जाता है, सिंगलेट क्योंकि ये एक है और ये कंप्लीट होती है नहीं रिंग इस तरह पूरी, और ये कहां प्रेजेंट होती है क्रिकोइड कार्टिलेज, ये होती है डॉर्सल साइड ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज, थायरॉइड कार्टिलेज की डॉर्सल साइड पर, क्योंकि डॉर्सल साइड इसकी खाली थी ना, उस डॉर्सल साइड को किसने कवर कर दिया, क्रिकोइड कार्टिलेज, ठीक है। अब आता है एरिटिनोइड, एरिटिनोइड प्रेजेंट होता है जस्ट अबव क्रिकोइड कार्टिलेज, ये क्रिकोइड कार्टिलेज के ऊपर प्रेजेंट होती है, ये इसकी लोकेशन है, राइट। अब एरिटिनोइड कार्टिलेज का क्या क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए कि ये रिलेटेड होती है वोकल कॉर्ड के साथ, वोकल कॉर्ड इसके साथ अटैच रहते हैं एरिटिनोइड के साथ, वोकल कॉर्ड दो कार्टिलेज के साथ रिलेटेड है, एक थायरॉइड के साथ और एक एरिटिनोइड के साथ, इसके साथ भी वोकल कॉर्ड रिलेटेड है बेटा, ध्यान रखना। तो वोकल कॉर्ड का जो एक एंड जुड़ा होता है थायरॉइड कार्टिलेज से और एक एंड जुड़ा रहता है एरिटिनोइड कार्टिलेज से, तो अगर कभी भी साउंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए कि भाई वोकल कॉर्ड को रेगुलेट कौन करता है, तो कौन सी कार्टिलेज करती है, तो दो का ऑप्शन ध्यान रखना, एक थायराइड का और एक एरिटिनोइड का, बात समझ आ गई। इसके बाद आता है सेंटोरिनी कार्टिलेज, सेंटोरिनी कार्टिलेज जो होती है वो क्या होती है बेटा, पहले उसको समझते हैं, सेंटोरिनी कार्टिलेज नोड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होती है, नोड लाइक स्ट्रक्चर यानी अबव एरिटिनोइड, तो ये ऐसा लगता है जैसे एरिटिनोइड की आउटग्रोथ है, तो ये नोड के रूप में प्रेजेंट होती है, नोड क्या होता है कि एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, ठीक है ना, और ये इलास्टिक कार्टिलेज है ये नेचर में, यही सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, अब तक एक ही कार्टिलेज तो इलास्टिक आई है, बाकी सब तो हाइलिन ही चलेगा, मैंने आज गुरु ज्ञान दिया था ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हाइलिन कार्टिलेज चलेगी, इलास्टिक के नाम पर आपके पास क्या आ रही है, सेंटोरिनी कार्टिलेज आ रही है, ठीक है। अब मैं इसका एक फंक्शन लिखता हूं, रेगुलेट एपिग्लोटिस मैकेनिज्म, रेगुलेट टू एपिग्लोटिस, ये एपिग्लोटिस को रेगुलेट करती है, एपिग्लोटिस कौन था, जो ग्लोटिस को कवर कर रहा था, ठीक है। अब इस कहानी को समझिए थोड़ा, कि ये पोर है ठीक है ना, ये वाला पोर है, इस पोर को क्या बोलेंगे, ग्लोटिस, तो इस पोर को कवर कौन करता है, एपिग्लोटिस, इस पोर को कवर कौन करता है, एपिग्लोटिस, तभी तो फूड इसके अंदर नहीं जाएगा ना। लेकिन मेरा एक सवाल था मेरे मन में ऐसे ही आ गया कि कभी ऐसा हो सकता है कि एपिग्लोटिस इस पोर के अंदर धस जाए, तो जिस दिन ये एपिग्लोटिस इस पोर के अंदर चला जाएगा उस दिन तो ये पोर ही ब्लॉक हो जाएगा, और पोर ब्लॉक हो गया तो ब्रीदिंग ब्लॉक और मालिक का संदेश आ जाएगा। तो सवाल ये है कि इस एपिग्लोटिस को इस पोर के अंदर धसने से कौन रोकता है, एपिग्लोटिस को इस ग्लोटिस के अंदर जाने से रोकता कौन है, कौन रेगुलेट करता है, तो वो कौन रेगुलेट करता है, सेंटोरिनी कार्टिलेज, इसी कार्टिलेज की वजह से एपिग्लोटिस केवल इस पोर को कवर करता है, इसके अंदर नहीं जा पाता, अगर इसके अंदर चला गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो एपिग्लोटिस को रेगुलेट कौन करता है, तो क्या जवाब रहेगा, सेंटोरिनी कार्टिलेज, ठीक बात, ओके। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये कार्टिलेज भी है, अब बात करते हैं वोकल कॉर्ड की, वोकल कॉर्ड बेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है एंटीरियर वोकल कॉर्ड और एक है बेटा पोस्टीरियर वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड, ठीक है। एंटीरियर वोकल कॉर्ड को फॉल्स वोकल कॉर्ड कहते हैं, फॉल्स, और ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यानी मेम्ब्रेन से बने होते हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है,
और ये एक म्यूकस लाइक मटेरियल बनाते हैं, म्यूकस लाइक सीक्रेशन करते हैं, जो ट्रू वोकल कॉर्ड को चिकनाई प्रदान करेगा। इसको जो पोस्टीरियर है इसको ट्रू वोकल कॉर्ड कहेंगे। अब पूछिए सर कि पहले तो ये बता देता हूं कि जो पोस्टीरियर वोकल कॉर्ड है वो येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है। तो एंटीरियर वोकल कॉर्ड थोड़ा पिंक कलर का होता है और ये येलो कलर का होता है। अब थोड़ा ज्यादा समझिए, एंटीरियर वोकल कॉर्ड को इसलिए फॉल्स बोलते हैं कि ये वॉइस नहीं बना, ये साउंड नहीं बनाता है, ये कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस। अरे वोकल कॉर्ड का काम क्या होता है यार, साउंड बनाना। और जब एंटीरियर वोकल कॉर्ड कोई साउंड नहीं बना रहे तो ये फॉल्स हुआ कि नहीं हुआ? भाई मुझे तो समझ आ रहा है ना भाई, वोकल कॉर्ड का काम क्या है, साउंड प्रोड्यूस करना। और जब ये एंटीरियर वोकल कॉर्ड कोई साउंड बना ही नहीं रहा तो फिर मैं क्या बोलूंगा इसको, ये फॉल्स है। तो फिर सवाल आता है कि इसका क्या काम है? इसका काम है कि भाई ये इसको थोड़ा मॉइस्चर प्रोवाइड करवाएगा, इसको ड्राई नहीं होने देगा, है ना, इसको पोस्टीरियर। अब पोस्टीरियर वोकल कॉर्ड को क्या बोला जाता है, ट्रू वोकल कॉर्ड। क्यों कहा जाएगा ट्रू वोकल कॉर्ड? क्योंकि यही वोकल कॉर्ड है जो साउंड बनाएगा। तो साउंड बनाने वाला वोकल कॉर्ड कौन सा है? पोस्टीरियर वोकल कॉर्ड है जो साउंड बनाता है। इज दैट क्लियर? ये एंटीरियर वोकल कॉर्ड किसका बना हुआ है? मेम्ब्रेन का। और पोस्टीरियर वोकल कॉर्ड येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, YFCT, येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, YFCT, ठीक है ना। और ट्रू कौन सा है? पोस्टीरियर। फॉल्स कौन सा है? एंटीरियर। बात समझ आई? सीधे भाषा में क्लियर? एक बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, कलर का ध्यान रखना। एंटीरियर बोले तो पिंक, पोस्टीरियर बोले तो YFCT है, तो कलर क्या देंगे यार, येलो ही देंगे। ट्रू कौन सा है? पोस्टीरियर। फॉल्स कौन सा है? एंटीरियर। समझ गए? ये वोकल कॉर्ड है। आप जरा ध्यान से देखो, वोकल कॉर्ड को रेगुलेट कौन करता है? थायरॉइड कार्टिलेज और एरिटिनोइड कार्टिलेज। ये आपको ध्यान में रखना, अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले। अब देखो बेटा कि जब हम इनहेलेशन करते हैं तो कोई साउंड नहीं बनती, नो साउंड, ठीक है। जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, आउट ब्रीथिंग, तो साउंड प्रोड्यूस होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं, इन ब्रीथिंग कर रहे हैं, इंस्पिरेशन कर रहे हैं, तो साउंड नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? पहले कौन आएगा? एंटीरियर आएगा। अरे जब एयर अंदर ले रहे हो तो पहले एयर किससे टकराएगी? एंटीरियर से। और एंटीरियर क्या है मेरे भाई? फॉल्स है, तो साउंड नहीं बनेगी। लेकिन जब हम एक्सहेलेशन करेंगे, जब हम एयर को बाहर निकाल रहे हैं, तब वो एयर पहले किससे टकराएगी? पोस्टीरियर से। और पोस्टीरियर क्या है? ट्रू है, वो साउंड बनाएगा। आपको सीधी भाषा में समझाया, सिंपल समझाया, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैकेनिज्म के तौर पर बताया जाए तो मैं कुछ इस तरह से कहूंगा कि जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो जैसे ही एयर एयर ट्रेवल होकर लैरिंग्स के पास आती है तो लैरिंग्स की जो मसल है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वोकल कॉर्ड की डिस्टेंस डिक्रीज होती है, वोकल कॉर्ड स्ट्रेचेस तनाव में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? तनाव में आ जाते हैं। ऐसे एकदम नॉर्मली वोकल कॉर्ड रिलैक्स रहेगा, नॉर्मली वोकल कॉर्ड क्या रहता है? रिलैक्स रहता है। और जब कोई चीज रिलैक्स है तो उसके ऊपर कोई भी चीज टकराएगी तो उसमें कोई टेंशन नहीं होगा, कोई वाइब्रेशन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई चीज तनाव में है, मान लो आपने वो वायलिन बजाते हैं ना, मान लो कोई चीज तनाव में है, वायर खींचा हुआ है पूरा तनाव में, और आप उससे कोई चीज टकराएगी तो वो क्या करेगा? आवाज करेगा ना। सिमिलरली जब एयर ट्रेवल होकर लैरिंग्स के पास आती है ना, तो यहां पर जो लैरिंग्स की मसल है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। किसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है? लैरिंग्स की मसल। लैरिंग्स की मसल में कॉन्ट्रैक्शन होने से जो पोस्टीरियर वोकल कॉर्ड है उसमें टेंशन हो जाती है, वो तनाव में आ जाता है। और अब जब उससे वो एयर टकराएगी तो वाइब्रेशन होगी और साउंड प्रोड्यूस होगा। दोबारा समझ लें, लैरिंग्स की मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन, इससे जो वोकल कॉर्ड है उनकी डिस्टेंस डिक्रीज हुई, डिस्टेंस डिक्रीज हो गई, नीचे निशान का मतलब है डिक्रीज हो गई। इससे जो वोकल कॉर्ड है उनमें टेंशन हो जाएगी, मतलब वो तनाव में हो जाएंगे। राइट राइट भाई। अब क्या होगा,
कि जैसे ही आप इनसे एयर स्ट्राइक करेगी, आप जैसे ही एयर इनसे पास होगी इससे, तो जो पोस्टीरियर वोकल कॉर्ड है, जो ट्रू वोकल कॉर्ड है, वो साउंड प्रोड्यूस करेगी, राइट। तो अब ये क्या प्रोड्यूस हो गए भाई, साउंड प्रोड्यूस हो गए, ठीक है, वाइब्रेशन से, ठीक है ना, इसमें वाइब्रेशन से, ईयर की टकराने से वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन ही साउंड है, ठीक है, ये एक्सहेलेशन के समय हो रहा है। अब ये साउंड जाएगी लेरिंग से ऊपर हमारे ओरल कैविटी में आएगी, यहां लिप्स और टंग इनकी वजह से फॉर्मेशन होगा, प्लस स्पीच सेंटर की हेल्प से। अब स्पीच सेंटर कहां है, ब्रेन में है, लेकिन उसकी नर्व जो होती है वो टंग में आती है, तो जैसे ये साउंड टंग में आती है, टंग में जैसे साउंड आती है, तो वो नर्व इस साउंड को ब्रेन में लेके जाता है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, लैरिंग्स यहां पे है, साउंड यहां बन गई, ये साउंड ट्रेवल होकर कहां गई, ओरल कैविटी में आ गई, और यहां टंग है, टंग पे क्या है, नर्व है, और उन नर्व का कनेक्शन किसके साथ है, स्पीच सेंटर के साथ। तो भाई मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो टंग है, इस टंग की जो नर्व है वो स्पीच सेंटर के पास आती है, और स्पीच सेंटर का है ब्रेन में, और ये जो नर्व है ये साउंड का स्टिम्युलेशन लेके आ रही है ब्रेन में, और ब्रेन फिर क्या करेगा, इस साउंड को स्पीच में कन्वर्ट करेगा, है ना, स्पीच बन जाएगी, अब ये साउंड स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगी, समझ आया एकदम अच्छे से, ये पूरी बात मैंने समझा दिया, लिप और टंग फोनेशन प्रोवाइड करवाने का काम करता है, ठीक है, ये पूरा लैरिंग्स का बताया। तो इनहेलेशन के समय साउंड नहीं बनेगी, साउंड कब बनेगी, एक्सहेलेशन के समय, कहते हैं ना आवाज निकाल अंदर से, अंदर से निकालने का मतलब कि जब हम एक्सहेलेशन करेंगे तब साउंड बनेंगे, समझ आया एकदम, ऐसे नहीं बोलते ना कि बाहर से आवाज निकाल, इज दैट क्लियर, पक्का पक्का बोलो, समझ आया। तो ये हो गई आपकी लैरिंग्स, ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, नेजल पार्ट पढ़ लिया, फेरिंग्स पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया भाई, लैरिंग्स पढ़ लिया, इज दैट क्लियर, है ना, आज के लिए काफी हो गया या आगे चले, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया भाई, लगभग 1 घंटे का लेक्चर हो गया, कल हम आगे का डिस्कशन करेंगे, थैंक यू वेरी मच, ओके।